नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आपके और मेरे चैनल कुकिंग विद विवी में। तो आज मैं लाई हूँ आप सभी की डिमांड में चिकन बिरयानी की रेसिपी, और मेरे एक सब्सक्राइबर ने हर जगह कमेंट कर रखा था तो उन्होंने स्पेशल मेंशन कर दिया है। तो सबसे पहले मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं हाफ के जी चिकन लिया है मैंने चिकन बिरयानी के लिए। तो हाफ के जी चिकन में हाफ के जी राइस बिल्कुल परफेक्ट प्रोपोर्शन होता है, या फिर आप एक दो मुट्ठी और चावल को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे मैंने बासमती राइस लिया है और इसको हमें सोक कर लेना है कम से कम एक घंटे, कम से कम इसे सोक करना है और इसको हम साइड रख देंगे। अब हमने बिरयानी के बर्तन में डाल दिया है तेल। यहाँ पे मैंने सरसों का तेल यूज़ किया है, आप यहाँ पे घी और रिफाइंड का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो मज़ा है ना वो सरसों के तेल में ही है। अब मैंने यहाँ पे पांच बड़ी प्याज को बिल्कुल बड़ी बड़ी स्लाइसेस, लंबी लंबी स्लाइसेस में काट दिया है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे, जैसे ही हम तेल में ढालेंगे तेल की आंच भी कम होनी चाहिए और बनाते हुए हम जब उसको फ्राई करेंगे तब भी हमारी गैस की आंच कम होनी चाहिए। इसको अच्छी तरह से हमें भुनना है, जितना हम भुनेंगे बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो जाएगा उस स्टेज में हम इसको निकालना है। लेकिन ध्यान रहे जलनी नहीं चाहिए, जलेगी तो कड़वी टेस्ट आएगी। तो देखिए हमारी प्याज बिल्कुल भुन रही है अच्छे से, जैसे जैसे चलाएंगे ना तो वह ऊपर नीचे साइड से हर जगह से भुन जाएगी। इसके बाद वो जब गोल्डन ब्राउन हो जाए उसको परात में या बड़ी प्लेट में निकाल लीजिएगा और हवादार जगह में रख दीजिएगा खोल के, ताकि वो और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगी। अब हमारे अपने चिकन के लिए मैंने यहाँ पे चिली और गार्लिक का पेस्ट बना दिया है। जितना तीखा खाते हैं उतनी चिलीज डालिएगा, ठीक है, क्योंकि हर मिर्चियों की अलग अलग वो होती है कि हाँ कोई ज़्यादा टेस्ट तीखी होती है, कोई कम तीखी होती है। अब हमने क्या किया है, अपने बिरयानी के बर्तन में थोड़ा तेल कम कर दिया है और थोड़े से फ्राइड अनियंस वहीं रखे हैं। अब हाफ के जी चिकन को मैंने अच्छे से वॉश करके यहाँ पे शामिल कर दिया है। इसके बाद एक बड़ी प्याज को मैंने बारीक चॉप करके यहाँ शामिल कर दिया। इसको अच्छे से पकाएंगे, जितना इसको पकाएंगे ना उसका टेस्ट उतना इन्हांस होगा, उतना स्वाद बनेगी हमारी चिकन बिरयानी। तो देखिए यहाँ पे इसको अच्छे से हमें पकाना है। इसका कलर देखिए, यहाँ पर इसका कलर चेंज हो गया है, हमने कम से कम 10 मिनट के बाद इसको खोला था। इसके बाद यहाँ पे थोड़े से फ्राइड अनियंस शामिल कर देंगे, थोड़ा सा चलाएंगे। इसके बाद एक बड़ा चम्मच विनेगर को ऐड करेंगे। तो विनेगर ऐड करने का क्या मतलब होता है, क्योंकि जो हमारा चिकन है ना बनाते बनाते टूट जाता है, तो अब एंड तक देखेंगे इस स्टेज में अगर आप विनेगर डाल देते हैं तो उसके बाद हमारा जो चिकन है ना वो कभी नहीं टूटेगा। तो यहाँ पे आप नींबू भी शामिल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमें अपने टमाटोज ऐड करने हैं। टमाटर मैंने दो बड़े टमाटर को बारीक चॉप करके यहाँ पे अपने बिरयानी के उसमें शामिल कर दिया है और उसको अच्छे से चलाएंगे। अच्छी तरीके से इसको पकाना है, जितना भून सकते हैं उतना भूनिएगा, कम से कम 15 से 20 मिनट भूनिएगा। इसके बाद चार बड़े चम्मच मैंने बिरयानी मसाला, होममेड बिरयानी मसाला यहाँ पे शामिल कर दिया है। आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो जल्दी हमारे चैनल में आने वाली है, चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसको अच्छे से भूनेंगे, जितना भून सकते हैं उतना भूनना है। अब यहाँ पे हमें गार्लिक और चिली का जो पेस्ट बनाया था हरा पेस्ट, इसको यहाँ पे शामिल कर देंगे। ये देखिए ये तीन बड़े चम्मच हमारे इसमें शामिल कर दिए। इसको अच्छे से चलाएंगे, मिक्स करेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, कम आंच में इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए अब हमारे पाँच मिनट के बाद इसको हमने ओपन किया है और देखिए इसकी खुशबू बहुत लाजवाब आ रही। अच्छा, अब हमें यहाँ पे नमक शामिल करना है, तो नमक थोड़ा तेजी शामिल करेंगे। इसके बाद दही ऐड करनी है। दही मैंने आठ बड़े चम्मच, जैसे हम चावल खाते हैं उसी चम्मच से आठ बड़े चम्मच यहाँ पे मैंने दही शामिल कर दी है। इसको अच्छे से चलाएंगे 15 मिनट। इसको चलाने के बाद इसका रंग देखिए कितना निखर के आ रहा है। इसके बाद हम अपनी बिरयानी के चिकन में धनिया और पुदीना को शामिल करेंगे। धनिया और पुदीना शामिल करने से बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस आ जाती है हमारी बिरयानी में और स्वाद तो निखर के आता ही है। तो यहाँ पे हमने तेज पत्ता भी शामिल किया है, वो मैंने मेंशन करना भूल गई थी। तो यहाँ पे हमने धनिया और पुदीना शामिल कर दिया और चिकन हमारा बिल्कुल रेडी, इसको साइड कर देंगे। अब चावल की प्रिपरेशन करते हैं। चावल में पानी जो है इसमें हमें सॉल्ट डालना है, तो जो हमारा पानी है बिल्कुल खारा होना चाहिए। तो खारा हुआ तो क्या होगा, चावल और बिरयानी का कॉम्बिनेशन बिल्कुल ठीक बैठेगा, तो चावल जो है वो ब्लेंड नहीं रहेंगे। इसके बाद हमें जीरा, खड़े मसाले शामिल करने हैं, जीरा, तेजपत्ता, इलायची, काली मिर्च, लौंग। इसके बाद चावल हमारे 70% कुक हो गए। ये देखिए हमने इसको फैला के रख दिया। इसके बाद ये रहा हमारा चिकन, अब इसकी लेयरिंग करेंगे। तो ये चिकन का हमारा बिरयानी का बर्तन खूबसूरत था। इसके बाद हमें देसी घी डालना है सबसे पहले। इसके बाद पतली सी चावल की लेयर, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं वैसे उसी तरीके से आपको लेयरिंग करनी है। तो यहाँ पे पतली सी चावल की लेयरिंग, ताकि सबसे लास्ट वाली जो है ना चावल की वो बिल्कुल ही क्रिस्पी रहे। इसके बाद धनिया, पुदीना, इसके बाद अपना फेवरेट चिकन, इसके बाद दोबारा चावल की लेयर। देखिए वीडियो में देखिए जिस तरीके से वीडियो में हम कर रहे हैं उसी तरीके से आपको करना है। इसके बाद थोड़े से फ्राइड अनियन, फ्राइड अनियन का रंग इस तरीके से ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा हो जाएगा तो वो जल जाएंगी, तो बिल्कुल ध्यान रखना है। जब इस स्टेज में आ जाए तो उसको निकाल दीजिएगा कढ़ाई से या बिरयानी के बर्तन से। इसके बाद धनिया, पुदीना, फ्राइड अनियन, इसके बाद चावल। ये देखिए चावल कितने खिलके बने हैं, कितने खिलके आ रहे हैं। तो ये बासमती चावल मैंने यहाँ यूज़ किया है। इसके बाद फ्राइड अनियन, इसके बाद धनिया, पुदीना। ये देखिए दिखने में कितना खूबसूरत लग रहा है।
और खाने में बहुत लाजवाब था। सच में इस तरीके से आप ट्राई करेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आ जाएगा बिरयानी खाने में। इसके बाद चिकन शामिल किया है, इसके बाद चावल को शामिल करेंगे, इसको अच्छे से पतले पतले लेयरिंग देंगे। इसके बाद थोड़े से प्याज, आप मोटी लेयर भी कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा मोटी मत कीजिएगा। इसके बाद थोड़े से चिकन, फिर धनिया पुदीना। ये देखिए जैसे धनिया पुदीना आता है ना तो जान आ जाती है हमारी चिकन बिरयानी में। इसके बाद हमें डालनी है चावल की लेयर, इसके बाद फ्राइड अनियन, धनिया पुदीना, उसके बाद थोड़ा सा देसी घी ताकि टेस्ट और निकल गया। इसके बाद यहाँ पे मैंने रंग भी शामिल किया है, तो अगर आपको रंग वाली खानी है तो आपको दूध में थोड़े से दूध में थोड़ा सा फूड कलर को मिक्स करके उसको थोड़ा सा फेंटना है। इसके बाद यहाँ पे हम इसी स्टेज में शामिल कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पे केवड़ा भी शामिल कर सकते हैं। केवड़ा मैं शामिल करना भूल गई थी, पता नहीं कैसे, तो आप यहाँ पे शामिल कीजिए। केवड़े का मतलब बहुत सुगंध देता है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाती है। इसको हमें दम देना है 15 से 20 मिनट, और 15 से 20 मिनट दम देने के बाद कम आँच में ये हमारी चिकन बिरयानी बिल्कुल रेडी है। उसकी खुशबू बहुत लाजवाब आ रही थी, सच में बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। इसके बाद देखिए हमने चिकन बिरयानी सर्व कर ली अपनी प्लेट में। ये देखिए हमारी चिकन बिरयानी बिल्कुल रेडी है। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बताइए कि आपको क्या देखना पसंद है, क्या देखना चाहते हैं नेक्स्ट, और आपको मेरी चिकन बिरयानी की रेसिपी कैसे लगी कमेंट में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।